अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि चिकन बारबेक्यू कढ़ाई बनाएंगे, तो उसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट पहले से करके रख दिया था। इसके अंदर मैंने दुम्बे की जो है वो चर्बी भी लगाई है ताकि ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ये साथ में हम कढ़ाई के ऊपर जो है वो प्याज टमाटर को जो है वो फ्राई कर रहे हैं, और अभी आपको एक कंप्लीट इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे बारबेक्यू भी की भी, और रेडी होने के बाद भी शेयर करेंगे आपके साथ। ये प्याज फ्राई हो रही है, प्याज फ्राई होने के साथ साथ अब इसमें टमाटर हरी मिर्चें डाल रहे हैं ताकि वो साथ में अच्छे से गल जाएं और एक अच्छा पेस्ट बन सके कढ़ाई के लिए। और इसमें प्याज को हम भूनने के बाद अभी साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए। साथ साथ हमने ये बारबेक्यू भी स्टार्ट कर दिया है। इसको हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल जो है वो हम पका रहे हैं बारबेक्यू को, और इसके पैरेलल जो है वो साथ में प्याज और टमाटर भी फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे ये बारबेक्यू रेडी हो जाएगा फिर हम इसे जो है ऐड कर देंगे कढ़ाई में और उसे फिर भूनेंगे थोड़ा सा। हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है, अब हम इसे कढ़ाई में मिक्स करने लगे हैं। और ये कढ़ाई की आप फाइनल शेप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एक कढ़ाई बनी है, और सब्सक्राइब लाजमी करें।